से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से ही, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भोपाल पहुंचेंगे तो वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे का वक्त प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बिताएंगे, प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल को बता दें भोपाल आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम जो आयोजित होगा वहां पर सम्मिलित होंगे और उसके बाद 2 घंटे का वक्त प्रदेश बीजेपी कार्यालय में वो बताएंगे, तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ। मनोज जी, ये एक बड़ी खबर है और मैं समझता हूं शायद पहली बार ऐसा होगा कि अमित शाह प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। मनोबल तो बढ़ेगा ही कार्यकर्ताओं का, भव्य तैयारियां भी संगठन स्तर पर चल रही होंगी, क्या जानकारी? देखिए 2018 के जब चुनाव चल रहे थे तब अमित शाह आए थे, तो उन्होंने लंबा वक्त बिताया था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। लेकिन अभी अभी ये कार्यक्रम तय हुआ है, यानी अमित शाह जब भोपाल आ रहे हैं तेंदुपत्ता संग्रहकों को जो राशि वितरण करना, करीब 90 करोड़ रुपए की राशि देना है, उस दौरान सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बंसल न्यूज पर है कि अमित शाह जब भोपाल आएंगे तो सरकार के कार्यक्रम के साथ साथ अब संगठन के साथ भी मिलने वाले हैं और भोपाल के बीजेपी दफ्तर में करीब 2 घंटे गुजारने वाले हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे जैसी खबरें आ रही है। और करीब 4:35 पर बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे और 6:20 तक रहेंगे, करीब 2 घंटे गुजारने वाले। जाहिर सी बात है 2023 के चुनाव से पहले 2 घंटे यदि अमित शाह बीजेपी के दफ्तर में रहेंगे तो राजनीतिक घटनाक्रम पर बात होगी, 2023 के चुनाव पर बात होगी, 24 पर बात होगी और कैसे बीजेपी किस रणनीति के साथ संगठन काम कर रहा, क्योंकि बीजेपी ने बूथ विस्तार को लेकर जिस तरह का कार्यक्रम किया है 30 अप्रैल और 1 मई को जो 1,75,000 लोगों का प्रशिक्षण होने जा रहा है, ये भी अपने आप एक नया रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह की तमाम जो बूथ को लेकर काम हुए हैं उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अमित शाह का 2 घंटे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गुजारना ये जाहिर करता है कि बीजेपी 2023-24 को लेकर संगठन के स्तर पर भी आगे बढ़ने जा रही है और ये कार्यक्रम अभी अभी तय हुआ, सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर बंसल न्यूज पर। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए हमारे साथ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ये पहले खबर नहीं आई थी। पहले सिर्फ ये था कि अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, जम्बूरी मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर बंसल न्यूज पर, जहां 2 घंटे का वक्त केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी पहुंचेंगे। और इधर